नमस्कार। आज कहानी गैलीलियो गैली की, वो गैलीलियो गैली जिनके मरने के बाद उनकी तीन उंगलियां काट दी गई। कहानी धर्म और विज्ञान की पहली लड़ाई की, बात गैलीलियो की। गैलीलियो का जन्म 1564 को इटली देश में हुआ था। गैलीलियो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रकृति को समझने की एक गजब की ललक थी उनमें। आगे चलकर गैलीलियो की खोज ने विज्ञान को एक नया दिशा दिया, लेकिन उनके कुछ खोज धर्म के खिलाफ जाते थे। यही कारण था कि गैलीलियो को साल 1633 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा उम्र कैद की भी सजा सुना दिया गया। साल 1652 में गैलीलियो ने पिसा की झुकी हुई मीनार से एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्होंने एक भारी वस्तु और एक हल्के वस्तु को एक साथ गिराया। उनका मानना था कि ये दोनों वस्तु जमीन पर एक ही साथ गिरेंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसे गैलीलियो ने कहा था, यानी भारी और हल्का वस्तु दोनों जमीन पर एक साथ ही गिरा। और आज हम सभी जानते हैं कि यह भौतिक विज्ञान का एक साधारण सा नियम है, जिसके मुताबिक गिरते हुए वस्तु में लगने वाला समय उसके भार पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि चाहे वस्तु हल्का हो या भारी, उन दोनों पर त्वरण या एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्राप्त हो रहा है। अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ ही गिरेंगी। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया। गैलीलियो गैली के वक्त यह माना जाता था कि चंद्रमा एक चिकनी सतह वाला गोला है, परंतु जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप के सहारे आसमान में देखा तो यह पाया कि चंद्रमा का सतह चिकना नहीं है, बल्कि उन पर क्रेटर और गड्ढे बने हुए हैं। साथ ही शनि ग्रह के रिंग्स को भी देखा। उन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से जुपिटर के चार उपग्रहों का भी पता लगाया। गैलीलियो के काल में यह माना जाता था कि पृथ्वी इस दुनिया का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु गैलीलियो कोपरनिकस से प्रभावित होकर, उनके तर्कों से प्रभावित होकर, उन्होंने यह बताया कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन ये बात उस वक्त के धर्म के खिलाफ जाती थी, बाइबल के खिलाफ जाती थी। यही कारण था कि 1633 में रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद का भी सजा सुना दिया। अंत में चर्च से माफी मांगते हुए गैलीलियो ने कहा कि बाइबल में लिखा कुछ भी गलत नहीं, परंतु प्रकृति के नियम भी गलत नहीं हो सकते। यदि इनके बीच कोई अंतर आता है तो इसका मतलब है कि हमें बाइबल की व्याख्या को बदलना होगा। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य उसके नियमों को माने या ना माने, प्रकृति के नियम प्रकृति के नियम है। गैलीलियो ने इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एक किताब भी लिखा, द डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ, जहां पर उन्होंने दो व्यक्तियों के बीच का संवाद दिखाया। एक व्यक्ति जो कहता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, एक व्यक्ति जो कहता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो गैली ने 77 साल के उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गैलीलियो की खोज ने ही आधुनिक विज्ञान का नींव रखा। आखिर गैलीलियो के मृत्यु के 300 साल बाद उस चर्च के साथ साथ पूरी दुनिया को भी यह मानना पड़ा कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।